नमस्कार जी। मैंने स्कूलों के अंदर बहुत विजिट किया है पिछले 5 सालों में, जब से मैंने विकास का काम अपने हाथों में लिया है। मैं जानता हूँ कि मैंने एक एक शिक्षा प्रणाली को समझा है, समझने के बाद उसके ऊपर काम किया है, उसके बाद लोगों को उसमें अटैच किया है, लोगों से पूछा है कि तुम कहाँ तक पहुँचे, बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, उनके लिए सही सुख सुविधाएं हैं या नहीं है, स्कूल के अंदर प्रॉपर कैमरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, शिक्षकों की सही से भर्ती हो रही है या नहीं हो रही है, सब खुद जाके पर्सनली जा करके मैंने देखा है कि सारे जो रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, सब चीज़ साफ सुथरी हैं या नहीं है, कर्मचारियों को ढंग से पैसे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, डेस्क वगैरह बच्चों के बैठने लायक हैं या नहीं है, वहाँ पर एक एक गमला मैंने मेरे हाथ का लगाया हुआ है। ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज NDMC की जो बैठक थी उसके अंदर लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने वहाँ पे जाके ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, धमाका नहीं किया। मैं तो वहाँ से भाग आया, मैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने आपको पहले बोला। जब मैंने बंदे रखे, वो एक बंदे से याद आया, कहाँ गया वो मेरा, हाँ बंदे से याद आया, जरा एक मिनट रुक जाओ। अभी आएगा फोन पलट के। मैं कह रहा हूँ आपसे, जब मैंने अपने बंदे छोड़े हुए हैं कि भाई वो सारा कारोबार खुद संभालते हैं, मेरे सारे जो भी मेरे काम होते हैं, मतलब चाहे मेरी गाड़ी चलानी हो, चाहे मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, चाहे मेरे घर की सब्जी लानी हो, चाहे मेरे परिवार का कोई बड़ा डिसीजन, TV ये वो फलाना निमा का हो, तो प्लस किस बंदे को मैंने क्या काम सौंपा, वो सब काम पूरे करते हैं। किसके घर में मैंने पैसे जमा कर रखे हैं, किसके घर में मैंने वाइट का पैसा कर रखा है, किसके घर में ब्लैक का पैसा कर रखा है, किसके में ग्रे का कर रखा है, किसमें ब्राउन का कर रखा है, सब मेरे बंदे सेट हैं। इसलिए अभी तक मेरे पास कोई हाथ नहीं डाल पाया। कोशिश तो बहुत कर ली लोगों ने, लेकिन कोई अभी तक कामयाब हो नहीं पाया, मैं आपको बता रहा हूँ जी। आ गया फोन, आ गया। आज देखो इसकी मैं क्लास लगाता हूँ गंजे की। सिसोदिया क्या था ये यार? मुझे एक बात बताओ भाई, जब मैंने सब चीज़ तुम्हारे नाम पे मैं लेता हूँ, हैं मेरी बीवी के नाम पे इतनी चीज़ें नहीं जितनी तुम्हारे नाम पे है। शराब का ठेका तेरी वजह से गया है, सारा काम तूने घबला कर दिया, तेरे को पता ही नहीं था कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं होटल में कैमरा लगा करके। यहाँ पे भी तूने वही करा दिया, मेरी क्रिकरी करा दी। वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 5 साल से आप कहाँ थे, आप एक भी बार नहीं आए स्कूल में, कौन से स्कूल का आपने निरीक्षण किया है, कौन सा स्कूल का परीक्षण किया है, बच्चों के लिए आपने क्या सुख सुविधाएं दी है, कैमरा कहाँ लग रहे हैं, तू पागल आदमी है क्या? तेरे को जब पता है कि जब मैंने किया ही नहीं है तो प्रॉपरली, जैसे प्रसून जोशी को तुमने पिछली बार हमारी जब बात हुई थी, तो यार ये पेड मीडिया को बुलाया करो ना, यहाँ पे कैसे कैसे लोगों को बुला रखा था तुमने। जब हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि भाई वो जब बोलते हैं मैं बैठ जाता हूँ बबुए की तरह और सारे जवाब देता हूँ, तो मैं भी तो उनको क्वेश्चन देता हूँ ना कि यही पूछना, उसके जवाब मैं ऐसे दूंगा, तो तुमने आपकी बारी प्लान क्यों नहीं की चीज़ें? वहाँ पे कोई रियली बंदा बैठा हुआ तो वो तो उसने मेरी क्रिकेट की खिंचाई कर दी, वहाँ कोई वीडियो भी लीक हो गया, बताया नहीं, ऐसे होगा क्या अब यार? कल को तो तुम यार कैमरा मेरे बेडरूम में भी लगा दोगे, जैसे इमरान खान के में लगाया था लोगों ने, उसके नौकरों ने। नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैंने ना कच्ची गोली नहीं खेली, मैं बताऊँ तेरे को, हाँ सारे काम तेरे नाम ही हैं, एक नाम दे दिए ना फिर से चक्कर काटता फिरेगा पुलिस वालों के, ED सब पीछे पड़ जाएंगे तेरे। मैं बता रहा हूँ, आइंदा सिर्फ पेड एंकर आएंगे, पेड मीडिया आएगी, पेड सारी चीज़ें होंगी भाई, सब हम पेड के लिए कर रहे हैं, थोड़ा पेड कर भी देंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? हमारी कम से कम पब्लिसिटी तो हो रही है ना। आज मैं सिर्फ छोड़ इसलिए रहा हूँ कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, वरना तेरे बक्कल उधेड़ देता गंजे, बता रहा हूँ मैं। मत कर रहा यार, इतनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम लोगों के नीचे से मेरी ज़मीन हिला देते हो भाई। तुम एक बार बता, तू शायद पता नहीं 12वीं पास है भी या नहीं है, लेकिन तूने काम तो वही कर रखे हैं ना, और तेरे ऐसा बंदा तेरे पूरी
50 पुश्तों में, 100 पुश्तों में कोई ऐसा जिसके बदले पैसे जितने समय हैं तेरे पास, भले मेरे हैं, डजंट मैटर, हैं तो सही या गलत है, हद करता है यार ये। चलो ठीक है रखो, पता नहीं कैसे फंस गया मैं इस बारी इन सब के पागलों के चक्कर में, वरना तो मैं इसको बताता मैं। अच्छा अब ना ये सब हटा देना, मेरा सिर्फ अब जो मैं बता बोलूँगा ना वही लेना। ये भ्रष्ट सरकार है जी बीजेपी, इन लोगों ने मेरे पीछे बंदे छोड़े हुए हैं। आप बताइए जी चलती मीटिंग के अंदर कौन किसके ऊपर खुफिया कैमरा लगाता है जी। कल को यही बात अगर मोदी जी के साथ मैं कर दूँ तो मैं क्या यहाँ रहने लायक बचूँगा? नहीं बचूँगा जी। आप बताइए कि क्या अगर मैं ईमानदार आदमी नहीं होता तो मेरे को क्या दिल्ली वाले दो बार चुनते? नहीं चुनते। अगर मैं ईमानदार आदमी नहीं होता, ईमानदार पार्टी नहीं होती मेरी, ये आम आदमी पार्टी नहीं होती मेरी, तो मेरा क्या वर्चस्व था? कुछ नहीं था। और फिर बोल रहे हैं भाग गया। अबे भाग क्या गया, मैं तो पैदल चल के गया हूँ, बाहर उठ करके गया हूँ, जो तुम बिगाड़ के क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये सबको पता है कि जब मैं वहाँ पे गया ही नहीं हूँ स्कूलों में भाई, जब मैंने मनीष सिसोदिया को सारा का सारा काम दे दिया तो मेरे जाने की ज़रूरत क्या है वहाँ पे? जहाँ मेरे जाने की ज़रूरत होती मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। गुजरात में पहुँचा, मतलब पंजाब पहुँचा तो पंजाब मेरा हो गया, अब गुजरात जा रहा हूँ तो देखो गुजरात भी मेरा होगा, दिल्ली गया तो दिल्ली हो गया ना मेरा, या गलत कह रहा हूँ? तो मैं बेकार में अपनी नाक क्यों फंसाऊँ, टांग क्यों उड़ाऊँ? और वैसे ही मेरी फेवरेट फिल्म वो है भाग मिल्खा भाग, बेकार के सवाल पूछे ना तो मैं तो पहले चल के गया फिर बाहर जाके भाग गया। क्या फ़ायदा इन लोगों के मुँह लगने का? कोई मेरे से गलती से कोई बात निकल जाए पकड़ के बैठ जाएंगे मेरा बात को, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये सारा किया धरा बीजेपी का है। ये लोग चाहते नहीं है कि दिल्ली के अंदर के एक आम सरकार ईमानदारी से चोरी कर सके, ईमानदारी से लूट खसोट कर सके, ईमानदारी से पैसे कमा सके, ईमानदारी से बस ठीक है, इतना है, बहुत है, हाँ ज़्यादा नहीं बोलते हैं ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो आए जिसके अंदर मैं दिख रहा हूँ आपको, तो वो जो है गलत है। और एक बात और, आप लोग समझदार हो दिल्ली वालों, मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, अब तो पंजाब वाले भी समझदार हो गए, बस गुजरात वाले मेरे हाथ नहीं आ रहे, जिस दिन वो आ गए तो वो भी समझदार हो जाएंगे। एक बार आप विश्वास करके देखो, दिल्ली ने करके देखा आज तक खुश है, अब आप करके देखो, पंजाब भी खुश है, सिर्फ गुजरात अभी तक ड्राई बचा है। एक बार बुला लो, बारिश कर दूंगा बारिश, एक में दो के मजे। नमस्कार।